अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। शायद खाकान अब्बासी ने इमरान खान के हक में बयान दे दिया और दूसरी तरफ इलेक्शन होते हुए नहीं नजर आ रहे। सबसे पहले आप शायद खाकान अब्बासी की वीडियो देखें। आपको सब लीडरों का जो है तो सोचना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद हम नजर आए। सर कौन लाएगा मुफाद को पहले रखेंगे मुज़ाकरात पे, कौन लाएगा सर सियासी मुज़ाकरात पे? खुद ही आएंगे जब तकलीफ होगी मुल्क को, लोग सड़कों पे आएंगे तो खुद ही। सर लीडरान को तो कोई तकलीफ नहीं, आम आदमी को तकलीफ। और मुझे लगता है कि शायद खाकान अब्बासी सिर्फ थोड़े बहुत सही बयान दे देता और तो सारे बेवकूफ है। मरियम औरंगजेब कह रही है इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सुनिए उसकी जबानी। जब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के जो हालात है, जो समझ आ रहा था इमरान खान क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आज दहशतगर्दी के वाकयात उसकी खबर दे। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना कि मरियम औरंगजेब कह रही है कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। आगे सुनिए उसने और क्या चल रही है हमारी। कोविड आ रहा है, कोविड में पूरी अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठी इमरान खान साहब आपको। जी हाँ कोविड बिल्कुल याद है, उस वक्त यही जो अभी हुकूमत है यही ओपोजिशन में थी, इनके यही गंद ओपोजिशन में था, कोई और नहीं था। आगे सुने इसने और आगे क्या चल रही है हमारी। लाइकी ना एहली एक तरफ होती है, लेकिन दानिस्ता तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की दहशत को खतरे में डालना, मुल्क की खारजा पॉलिसी को। जी हाँ, जब मरियम औरंगजेब के सर पे नशा चढ़ा तो वो सच बोलना शुरू हो गई। वो कहती है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आगे उसने क्या चवलिया मारी यहाँ पे देखें। तमाशा इसलिए है क्योंकि किसी सवाल का जवाब नहीं है, किसी केस का जवाब नहीं, किसी चोरी का, किसी डाके का जवाब नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब मरियम औरंगजेब को नशा चढ़ा तो वो सच बोलना शुरू हो गई। वो कहती है यार माँ से तमाशा इसलिए है कि किसी चोरी का कोई जवाब नहीं है, किसी केस का कोई जवाब नहीं है। तो मेरी वीडियो इतनी थी, ये लोग चोर हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।